जी हाँ दोस्तों, हम उसी लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं जिसमें एक पतली सी सीक लगी हुई होती है, अर्थात लकड़ी की एक डंडी लगी होती है, जिसको आजकल सामान्यतः बच्चे चूसते हुए देखे जा सकते हैं। लॉलीपॉप के नाम से जिसे बच्चे पुकारते हैं, बच्चों की इसमें अधिकतर रुचि होती है। आजकल यह लॉलीपॉप काफी अधिक तादाद में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसे लुलिया भी चूसने लगी है और इसकी मांग काफी अधिक बढ़ते जा रही है। लॉलीपॉप बनाने के लिए जिस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अब दोस्तों फाइनली हम जानेंगे लुलिया वाले लॉलीपॉप बनाने का विधि को। इसके लिए सबसे पहले चीनी, पानी व ग्लूकोज को तांबे के किसी बर्तन में आपको जो फोटो में फॉर्मूला दिया गया है उसके अनुसार तोल कर मिला दिया जाता है। फिर इस घोल को गर्म कर दिया जाता है जब तक चीनी की ग्लूकोज पानी में घुल ना जाए। इस बीच इसी घोल को चलाते रहते हैं। जब यह मिश्रण उबलने लगे तो कुछ समय तक थप कर रख दिया जाता है। इसके बाद चाशनी में एक थर्मामीटर को लटका देते हैं और घोल को 135 डिग्री सेल्सियस तक उबलने देते हैं। चाशनी बन जाने के बाद इसको चिकनाई आने लगे तब इसको पलट दिया जाता है। इसमें चमक व पीले रंग के पाउडर को या लाल रंग के पाउडर को आप जो कलर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मिला दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसके किनारों को पलटकर इस पर साइट्रिक एसिड व नींबू का एसेंस छिड़क देते हैं। फिर इसको उलट पलट देते हैं। इस प्रकार आपकी चाशनी तैयार हो जाती है। दोस्तों जब लॉलीपॉप को हाथ से बनानी हो तो उसे गाढ़ी चाशनी करके रबर की मोटी सीट में लपेट लेते हैं और फिर इसका एक सिरा खुला रखा जाता है। कारीगर खुले सिरे की तरफ से थोड़ी थोड़ी चाशनी नोच नोच कर इसको लॉलीपॉप की डाई में रखता है और साथ ही इसको बांस की तीली रखकर मशीन का हैंडल दबा देता है। आजकल तो प्रायः प्लास्टिक का तीली उपयोग किया जाता है। इस प्रकार लॉलीपॉप तैयार हो जाती है। आपकी लुलिया वाली लॉलीपॉप तैयार हो जाती है। साथ ही साथ इसको सफेद कागज में लपेटते हैं ताकि यह और भी अट्रैक्टिव लगे। अधिक ऑर्डर के लिए लॉलीपॉप को ऑटोमेटिक मशीन से बनाया जाता है। यदि आपके पास अधिक सप्लाई की व्यवस्था हो जाए, आप इसके साथ इसकी मार्केटिंग का ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा प्रमोशन कर लीजिए, आपका बिजनेस एकदम सेट है। फिर आपके पास लुलिया की लाइन लग जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपको ये नए अंदाज में वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो ऐसे बिजनेस का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।